अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फरकंदा। आज हम झींगा की बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने झींगे को अच्छे से वॉश करके इसमें हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हाफ चम्मच नमक और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मिक्स करके अच्छे से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था इसे झींगे को। एक बर्तन में ऑयल गरम कर लेते हैं। हमने 2 बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है, आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। जब ये गरम हो जाएगा इसमें हम 2 फाइन चॉप्ड अनियन डालेंगे और उसे लाइट गोल्डन होने तक भुनाई करेंगे इसकी। जब ये हल्की सी लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तब इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें तेज़पत्ता का टुकड़ा रहेगा हाफ, हाफ दालचीनी रहेगी हमारी, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची का डालेंगे। आप जीरा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें झींगा यानी प्रॉन डाल देंगे। और इसकी हाई फ्लेम पे खूब अच्छे से भुनाई करेंगे, जब तक कि अपना कलर ना चेंज कर ले। हाई फ्लेम पे इसको खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएगा इसको अच्छे से भुनने में। चला चला के इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए हमारा एकदम कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच लहसुन भर के और 1 चम्मच अदरक भर के डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम 5 मिनट इसको भुनाई करेंगे लो फ्लेम पर। पांच मिनट लहसुन अदरक के साथ भुनने के बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर लेना है, थोड़ी सी हल्दी रहेगी और 1/2 ही चम्मच हमारा गरम मसाला रहेगा, ये डाल देंगे इस पे। और 1/2 चम्मच नमक भी इसी टाइम हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, हमने मैरिनेशन में भी डाला था इसलिए हम अभी 1/2 ही चम्मच इसमें नमक डाल रहे हैं, बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो फिर से डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। 1-2 मिनट भुनने के बाद इसमें 2 फाइन चॉप्ड टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसे भुनेंगे, जब तक हमारे टमाटर टेंडर हो जाएं तब तक हम इसको भुनेंगे। ठीक, 5 मिनट भुनते भुनते हो गए हमें, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 कप पानी डालेंगे। फिर इसे हम लो फ्लेम पर ढककर गलने तक पकाएंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे इसे। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है हम एक तरफ चावलों को बॉईल कर लेते हैं। ये एक बर्तन लेंगे बड़ा, उसमें खुला पानी लेंगे हम, उसमें दालचीनी का 1/2 टुकड़ा डाला है, 1 फुल चकरी डाली है, तेज़पत्ता, 4-5 लौंग, 6-7 काली मिर्च। और ये हमने चावल को तकरीबन 1 घंटा पहले, बासमती चावल है उसको भिगो के हमने रख दिया था। आप अपनी मर्जी के हिसाब से चावल लें,
जिसमें भी आप बिरयानी बनाना चाहते हो। पानी में नमक भी डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा फिर इसमें हम अपने चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लो फ्लेम करके इसको चावल को गलने तक, तकरीबन हमें 90% तक चावल अपने कुक्ड करने हैं। उसके बाद हम इसे पानी से छान देंगे चावल को। आइए जब तक हम अपनी ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं, इसको एक बार चला दें अच्छे से, उसके बाद फिर ढक के रख दें। ये देखिए हमारे तकरीबन 90% चावल कुक्ड हो चुके हैं। दबा के ऐसे देख लीजिए, जब वो टूटने लगे इसका मतलब हो गया है। अब इसको ड्रेन कर लीजिए। हमने ड्रेन करके रख लिया है चावल, और इधर हमारी ग्रेवी भी तकरीबन तैयारी हो गई है। हमारे ये अच्छे से गल गए हैं। अब बस फ्लेम ऑफ कर देंगे, आगे का प्रोसेस करते हैं। एक बड़ा पैन लेंगे, उसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे उसे बॉटम में, ताकि हमारे चावल चिपके नहीं। हाफ चावल की लेयर लेंगे इस पे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इस पे हम कटी हुई कुछ हरी मिर्चें डालेंगे, टमाटर के स्लाइसेस डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लें डाल के, धनिया पत्ती डाल के, और इस पे हम अब पूरी ग्रेवी डाल देंगे। पूरी ग्रेवी डाल के अच्छे से इसको स्प्रेड कर दें चावलों के ऊपर, और फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। बचे हुए अपने जो चावल है हमारे हाफ, वो डाल देंगे इसके ऊपर। स्प्रेड कर दें, चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद इस पे फिर बची हुई हरी मिर्चें जो कटी हुई हमने रखी हैं वो डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे। आप पुदीना लीव्स भी ले सकते हैं, नींबू के स्लाइसेस भी रख सकते हैं, जो मर्जी हो वो करें। तकरीबन 1 चम्मच देसी घी लेंगे, एक तरफ डालेंगे उसे चावलों के ऊपर, और इसी घी के ऊपर हमने ऑरेंज फूड कलर का घोल के रखा है, वो इसे पे डाल देंगे। इससे ये कलर पूरे में नहीं फैलता है, सिर्फ उसी तरफ रहता है। अब इसको ढक के लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि स्टीम हमारी 10 मिनट में इसमें अच्छे से आने लगेगी। आगे का फिर हम आपको दिखाऊं। 10 मिनट हो गया बिरयानी को दम पे रखे हुए, चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्टीम कितनी अच्छी आ रही है। बस इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे अपना। आपको फिर हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथों से, बिल्कुल नहीं तो चावल हमारे टूट जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना होता है, धीरे धीरे ऐसे। अच्छे से ये मिक्स हो गई है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारी बिरयानी बिल्कुल एकदम खाने के लिए तैयार है। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। चावल भी हमारे देखिए एकदम खिले खिले बने हैं। देखिए दोस्तों, हमारी एकदम खाने के लिए एकदम रेडी है बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। आप भी इस तरीके से बिरयानी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए।